Hello, good morning, everyone. Uh, welcome to Saturday morning's uh, newspaper analysis uh, of the Hindu and Express. Good morning, all of you. Uh, how are you guys doing? गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग आई होप सब लोग ठीक है वेलकम बैक टू न्यूज पेपर एनालिसिस देखिए क्या होता है कई बार आर्टिकल्स बहुत सारे होते हैं एक ही न्यूज पेपर के आर्टिकल नहीं होते मल्टीपल न्यूज पेपर के आर्टिकल्स होते हैं जो स्कैन करने पड़ते हैं एंड टू गिव यू एंड प्रोवाइड यू द बेस्ट न्यूज पेपर सो पांच दस मिनट थोड़ा लेट हो सकता है जनरली सवा दस से साढ़े दस के बीच हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है सो बाकी देखिए डिसाइक्स करने वालों का तो क्या कर सकते हैं हम कुछ लोग तो कुछ ना कुछ तो लोग कहते रहेंगे लोगों का काम है कहना बट हमें जो बाकी लोग हैं उनके साथ मिलके है रहना और साथ आगे है बढ़ना लाइक हाउ मोदी जी से चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूजपेपर एनालिसिस आज हम लोग चार पांच एमसीक्यू करेंगे नॉट जस्ट थ्री बिकॉज टुडे इज वीकेंड लेट्स सी हाउ मच हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग अपमिंग स्पेशली जो इस साल का प्रस एग्जामिनेशन देने वाले हैं देखते हैं उन लोग की प्रिपरेशन कैसी है राइट right. जस्ट स्टार्ट इन टू मिनट्स एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए रिगार्डिंग द्लास द्लास इज लाइफ एंड देन स्टार्ट ऑफ इन जस्ट टू मिनट्स Good morning, good morning, all of you. Good morning. <clears throat> भरत अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यू डोंट नीड टू स्टडी 2020 का इन दैट डेप्थ बट बट इट्स ऑलवेज गुड टू नो बिकॉज पढ़ लो नोट्स मत बनाओ 2021 के बाद से आप नोट्स बना सकते हो बट एट लीस्ट उससे क्या होगा दैट यू विल बी इन फ्लो ऑफ द टॉपिक एंड देर विलॉट ऑफ इंटर लिंकिंग विच विल हैपन तो कई बार क्या होता है दो दो साल पुराना भी करंट अफेयर्स लिंक हो जाता है तो दे कैन ऑलवेज बी अ केस लाइक दैट चलिए तो आज सत्ताईस मार्च है सैटरडे हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू हैप्पी वीकेंड एवरी वीकेंड वी शुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर बॉडीज एंड माइंड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट टू रिकेट एंड रीजूविनेट तो थोड़ा बहुत रेस्ट आप लोग ले सकते हैं पूरे हफ्ते भर मेहनत करने के बाद सो स्प्रिंकल मोर लव इन टू समी इज हार टूडे बी अ फ्रेंड बी अ ब्लेसिंग स्प्रेड जॉय एवरी वेरी गो बट ये डिसलाइक करने वाले लोग नहीं समझ सकते उन्हें सिर्फ क्या होता है बस डिसलाइक कर दो so be you know a little more understanding spread love caring uh, you know care in the world because everybody needs it so world would be a much better place if we all focus a little more on kindness and understanding other people's concerns understanding other people's uh, issues and uh, be more uh, accommodative that way so i think rather than a motivational quote this is more about how to live your life and be more uh, empathetic the word is empathy ठीक uh, <coughs> uh, है चलिए बाकी आज बारह बजे स्पेशल क्लास है लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल दी हुई है उसमें आप लोग देख सकते हो दिस स्पेशल क्लास में हम लोग आज बात करेंगे इंडिया के जो भारत सरकार में इंपॉर्टेंट पोजिशन है इंडियन गवर्नमेंट जैसे आजकल लैटरल एंट्री की काफी पोजिशन्स निकली हुई हैं तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कंसल्टेंट एडवाइजर्स की डायरेक्टर्स डिप्यूटी डायरेक्टर्स की आ, उसके बारे में बात करेंगे प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट पोजिशन आई एस एंड आई के अंदर वो कैसे पैरल है इनके तो इन फैक्ट सम पोजिशन जो इस समय ओपन है दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू अ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल इन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ बातें करेंगे सो दिस इज गोइंग टू वे वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टू Uh, बजे भूलिएगा मत आफ्टर दिस यूट्यूब पॉलिटी का सेशन रात को है 10 .30 जैसे कल हुआ था. और उसके बाद जो अगला पॉलिटी है वो भी कल आफ्टरनून में फिर संडे को तो वो पॉलिटी का भी शेड्यूल उसके अलावा आप देखोगे आई वाला जो है आज पॉलिटी वाली स्पेशल प्लस क्लासेज एट सिक्स थर्टी आज वो टीम ने पता नहीं क्या थोड़ा गड़बड़ कर दिया है उसका जो शेड्यूलिंग है मैं देखता हूँ आई लल जस्ट मैसेज द टीम थोड़ा शॉर्ट करा जाए टीम so, uh, uh, कि उसको ट्वेल्व पी एम करा जाए ठीक है सो अल देखता हूं मैं अभी जस्ट गो आई स्पीक टू दैम आज क्योंकि जोग्राफी की भी क्लास होती है ना दो बजे से दैट इज अ प्रॉब्लम वो टू टू फोर जो, जो जोग्राफी की क्लास होती है उस वजह से क्लास हो रहा है नहीं शेड्यूल में जोग्राफी क्लास ट्वेल्व पे तो नहीं होगी दैट मींस टी समिंग एल्स एनी वे

एंड दिस इज द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्टेड बाई एन अकेडमी तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अगर आपकी कोई जान पहचान का है तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं बाकी कल संडे है इसीलिए कल सुबह ग्यारह बजे कोई क्लास नहीं रखी है जो पहली क्लास है वो है आपकी बारह बज के पांच मिनट में स्पेशल क्लास है कल स्पेशल क्लास मैं लेने वाला हूँ वो है आपके आई आर के टॉपिक के ऊपर सो तो एक कल इनफैक्ट एक स्ट्रैटेजी सेशन भी रखा हुआ है मैंने आई आर एन स्ट्रैटेजी सेशन तो आई आर की भी क्लास है और एक स्ट्रैटेजी सेशन भी शेड्यूल किया हुआ है सिलेबस को लेके कि सिलेबस जो है क्योंकि अब एग्जैक्ट नब्बे दिन रह गए सत्ताईस जून को प्रोब्लम है आपका कोई हटने वटने नहीं वाला जून का प्रोब्लम जो है सेम है सेम डेट है तो ट्वेंटी सेवन जून को प्रब्लियम है एग्जैक्ट मतलब आप देखो तीन महीने रह गए हैं मार्च अप्रैल मे जून सो नाइन्टी डेज सो नाइन्टी डेज की स्ट्रेटेजी सेशन में लेने वाला हूँ बाकी दीज आर सम टॉप एजुकेटर्स टेकिंग दीज बैचेस इसको आप इनरोल कर सकते हैं थर्टी फर्स्ट से एक पॉलिटी का एमसीक्यू कोर्स भी चालू हो रहा है Uh, सिर्फ दस आवर्स का कोर्स है वो बट उसमें मोस्ट प्रॉबल हैंडमेड क्वेश्चन है सारे जो जिनकी प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है एग्जाम में आने की तो वो प्लस कोर्स है उसको आप आइकॉनिक या जी प्लस ऑप्शन कंबाइंड ले सकते हैं ऑप्शनल के लिए अलग से लेना जरूरी नहीं है आजकल कंबाइंड ऑफर्स भी अवेलेबल सो यू कैन यूज द कोड डी पी चलिए स्टार्ट करते हैं रिदि सोशोलॉजी क्लास आज नहीं कल से <coughs> देवशीष पहले जीएस टू जीएसटी देखिए सारे ही जीएस एक साथ ही चलते रहते हैं जीएस फोर बल्कि आप बाद में कर सकते हो यू कैन डू जी एस फोर इट रिलेटर हाँ तो काफी सारे लोग शायद मिस कर गए होंगे बट ओनली नाइन्टी डेज आर रिमेनिंग नाउ फॉर एग्जामिनेशन सत्ताईस तारीख है आज एग्जैक्ट सत्ताईस जून को एग्जाम है इनफैक्ट नाइन्टी से भी कम डेज है अगर आप देखोगे टेक्निकली स्पीकिंग को क्योंकि एक तो दिन तो आपका इधर से उधर ही चला जाता है <coughs> ओके रोहनजीत ठीक है चलिए तो आज जो ये आर्टिकल आया बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस आर्टिकल इज लिंक टू योर जीएसटू हिंदू का आर्टिकल है एक हम लोग इंडियन एक्सप्रेस से देखेंगे ये आर्टिकल आपका बात करता है अबाउट पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का फेडिंग होना कि पार्लियामेंट्री जो स्क्रूटनी है वो फेड अवे हो रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कि पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और कह सकते हो आ, अनहिंडेड जिम्मेदारी होती है कि जितने भी बिल्स पास हो रहे हैं वो ढंग से पास हों प्रॉपर डिबेट डिस्कशन इसके इस इस स्पेसिफिक टॉपिक पे ऑफ जी एस टू दो बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है लास्ट चार सालों में वन इज ऑन दी यू नो रिड्यूसिंग लेवल ऑफ डिबेट इन डिस्कशन द सेकंड वाज एग्जैक्टली द सेम कि पार्लियामेंट में राज्यसभा अपर हाउस की जो पावर थोड़ी कम हो रही है बिकॉज ऑफ धरना एंड डिबेट लेस नंबर ऑफ डिबेट्स या पार्लियामेंट्री स्कूटनी कम हो रही है तो ये भी जो आपका आज आर्टिकल आया है दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है बहुत कुछ है यहाँ पे नोट करने के लिए और वो उसका माइंड मैप टीम आपको दे देगी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स में जब हम नोट शेयर करूंगे आ, हम लोग जो टीम विल शेयर तो उसमें आपको माइंड मैप में बाइफिकेट कर देंगे द पॉइंट्स टू बी रिटन ये आर्टिकल बहुत अच्छा है समझने के लिए सो दिस आर्टिकल हाईलाइट की कैसे डिफरेंट बिल्स बहुत जल्दी पास किए गए हैं इन द पार्लियामेंट दिस ईयर स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस सेशन एक तो सेशन को भी कट शॉर्ट कर दिया है कोविड की वजह से तो पॉइंट ये है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस होने की बात करता है डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं मार्स मिशन की बात कर रहे हैं बट हम लोग ये पार्लियामेंट को रिमोटली क्यों नहीं कर सकते जूम सेशन में क्यों नहीं कर सकते बाकी सारी वर्ल्ड की कंट्रीज कर रही हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता या कोई डिजिटल फॉर्मेट जो है उस तरीके से क्यों नहीं कर सकते ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सोशोलॉजी है तो सोशालजी लीजिएगा सो so, इस बार देखोगे शॉर्ट एटीन डे मॉनसून सेवरल में और आपको पता है विंटर सेशन तो कैंसिल ही हो गया एज a रिजल्ट दो हजार बीस इक्कीस में लोकसभा पता है कितने दिन बैठी है सिर्फ सिर्फ थर्टी फोर डेज ओनली थर्टी फोर डेज बट सैलरी पूरी मिलती है इनको इनका कोई लीव विदाउट पे नहीं होता भले ही जो थोड़ा बहुत उन्होंने कट कराया कि कोविड में कोविड में जो पीएम जो रिलीफ फंड है उसमें शेयर करेंगे बट कोई ज्यादा इनका फर्क नहीं पड़ता अलाउवेंसेस सारे मिल रहे हैं इनको तो थर्टी फोर डेज बैठे हैं ये लोग सैलरी पूरी मिलती है ऑलमोस्ट इनकी एंड राज सिर्फ थर्टी थ्री डेज बैठा है द लोएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट ठीक है बिटर ट्रूथ ये है कि सिर्फ थर्टी फोर एंड थर्टी थ्री डेज एंड कोविड नाइन्टीन नो डाउट इज शॉकिंग ठीक है उसमें आप नहीं कर सकते मैनेज सब चीजों को बट देन देर इज नो रीजन वाई पार्लियामेंट कुड नॉट अडॉप्ट द रिमोट वर्किंग एंड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन एज सेवरल कंट्रीज बाकी कंट्रीज भी तो कर रही हैं <coughs> बाकी कंट्रीज में भी तो हो रहा है तो यहां क्यों नहीं हो सकता हम तो वैसे बहुत टेक्नोलॉजी के एडवांस हैं यहां क्यों नहीं कर सकते सर हमारे यहां तो <coughs> सॉरी आफ्टर कोविड नाइन्टीन सारा ऑफिस रिमोट <coughs> हो गया रिमोट वर्किंग हैज इज द न्यू वे इज द न्यू नॉर्म अब आप देखो कोई भी बिल की ढंग से स्क्रूटनी नहीं हुई है अब सारे पॉइंट नोट करते चले जाना आप लोग जो जो इंपॉर्टेंट है देखिए लाइव क्लास में अगर आप नोट कर लोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा बाद में रिवाइज करने में ईजी रहेगा और डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो इसलिए जब मैं आर्टिकल्स के पॉइंट बताता हूँ तो आप नोट करते चलिए बाकी तो माइंड मैप रहेगा रिविजन के लिए आपको मिल जाएगा <coughs> तेरहरा बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे थर्टीन बिल्स वन थ्री एंड नॉट इवन वन ऑफ देम वाज रेफर टू पार्लियामेंट्री कमेटी पहली बार ऐसा हुआ है <coughs> कि एक भी बिल किसी भी पार्लियामेंट कमेटी को रेफर नहीं किया गया <coughs> और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफ दिस थर्टीन बिल्स मेनी वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई इंपैक्ट बिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स थे एनसीटी ऑफ डेली जी एन सी टी गवर्नमेंट ऑफ एनसीऑफ डेली एक्ट जिसने ज्यादा पावर दे दी आपके डेली के एल जी साहब को ऐसी पास हो गया वॉइस वोट से डिविजन मांगते रहे ऑपोजिशन वॉकआउट करके आपको पता है दो दिन पहले की बात है बिल माइन्स एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट ठीक है ये आपके जो माइन एंड मिनरल्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सेवन को मेट करता है टू रिमूव द एंड यूजर रिस्ट्रिक्शन ऑन माइंड एंड कैप्टिव माइंड को बेसिकली ये ईज ऑफ करने के लिए ये दोनों हाउस में पास हो गया विद इन अ वीक एक हफ्ते के अंदर माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट बिल जो है इतना इंपॉर्टेंट है उसमें बहुत सारे एक्सप्लाइटेशन के स्कोप बच सकते हैं इसको एक हफ्ते में पास कर दिया गया थर्ड बिल है आपका एन ए एन ए बी फाइड करके दिस हमने बात भी करी थी द नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल एन ए बी एफ आई डी मैं लिखता चला जाता हूं यहां पे ताकि आप लोग को याद रहेगा फर्स्ट बिल वॉज गवर्नमेंट ऑफ ऑफ डेली सेकेंड इज माइन्स एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट थर्ड इज दिस एन ए बी एफ आई डी ठीक है ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड जो थर्ड वाला बिल है यह बनाता है नई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड परमिट द प्राइवेट वंस इन द सेक्टर वॉज पास विद इन थ्री डेज ऑफ इंट्रोडक्शन तीन दिन में तीन दिन के अंदर पास हो गया बिल सोचो आप फोर्थ है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल आपका जो है एफडीआई लिमिट इंक्रीज कर रहा है इंश्योरेंस वाला सो इंक्रीजेस द एफडीआई लिमिट फ्रॉम फोर्टी नाइन परसेंट टू सेवेंटी फोर परसेंट इन कंपनीज इसको भी सिर्फ एक हफ्ते में पास कर दिया गया बाय बउथ हाउस सो इन ऑल थर्टीन बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द सेशन एट ऑफ दर्क पास विद इन द सेशन द क्विक वर्क शुड बी रेड एज अ साइन ऑफ एबडिगेशन तो ये जो सारा चीज हुआ है ना इसको माना जाएगा कि पार्लियामेंट ने एपडिकेशन किया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज का टू स्क्रूटनाइज द बिल इनकी इनका एक ही काम है स्क्रूटनी करना हर बिल की हर लेजिस्लेशन की वो उन्होंने ढंग से नहीं किया तो एपडिकेशन का मतलब होता है कि अपने काम से हट जाना अपने काम से पीछे हट जाना एपडिकेशन ऑफ थ्रोन एपडिकेशन ऑफ डी दि, रिलेक्शन ऑफ ड्यूटी तो वो अपनी जो इनकी मेन जिम्मेदारी है संसद की वो इन्होंने पूरी नहीं करी So the development also highlights the decline in the efficacy of committee. The percentage of bills referred to the committees declined from 60% and 70% in the 14th Lok Sabha and 15th Lok Sabha respectively to 27% in the 16th Lok Sabha and just 11% in the current one. तो पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर करने की जो जो एक ट्रेंड है उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है पहले लगभग 60 टू 70 परसेंट बिल जो होते थे वो पार्लियामेंट्री कमिटीज को जाते थे नाउ ओनली द नंबर हैज गॉन डाउन टू ओनली ट्वेंटी और पास में आप देखोगे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया चाहे वो आई जैसे फॉर एग्जाम्पल आईबीसी कोड रहा है आई के लिए या चाहे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल रहा है दोनों में बहुत जबरदस्त काम किया है आपकी कमिटीज ने और बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो नया आजकल ट्रेंड आ गया है कि किसी भी बिल को मनी बिल बना दो सो दैट राज्यसभा कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट ये भी एक नया ट्रेंड है जिसको लेके जस्टिस चंद्रचूड ने बोला था कि भाई फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पे आधार के आधार बिल के ऊपर अब ये जो है सिमिलर चीज इस बार भी की गई ठीक है सो अब जैसे जनरली क्या होता है इसमें मेजर चेंजेस किए जाते हैं ताकि राज्यसभा में इसमें के ऊपर ज्यादा कुछ चेंजेस ना कर पाए क्योंकि दे डोंट हैव पावर रिगार्डिंग मनी बिल्स तो इसमें जो है उन्होंने लास्ट टाइम जो फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में चेंजेस किए थे उसमें ट्राइबल्स की पावर को चेंज कर दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली स्ट्रक डाउन कर दिया था बट इस बार भी ऐसा हुआ है सो दिस ईयर टू द फाइनेंस बिल हैज मेड मेजर अमेंडमेंट्स टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एज दिस इज मनी बिल द राजसभा कैन नॉट मेक एनी अमेंडमेंट इस बार एल को एड कर दिया है ठीक है एल को भी एड कर दिया है इसमें दिस इज एन ऑनगोइंग ट्रेंड की आधार एक्ट फाइनेंस एक्ट के अंदर जो है ऐसे प्रोविजन को एड कर लिया जाता है जनरली जो भी बिल होते हैं और जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है ना आपको पता है उस पर डिस्कशन एंड वोटिंग होता है बाय मिनिस्ट्रीज डिमांड फॉर ग्रांट्स बाई मिनिस्ट्रीज इस बार आप लोग हैरान हो गए जान के कि मोर देन सेवेंटी सिक्स परसेंट जो है वो विदाउट डिस्कशन अप्रूव कर दिया गया सेवेंटी सिक्स परसेंट ज्यादा जो है विदाउट डिस्कशन कोई डिस्कशन नहीं हुआ उसके ऊपर मोर देन सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑफ दऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं तो हर एक मिनिस्ट्री का क्या होता है जनरली डिस्कशन होता है कि आपको क्यों चाहिए जिसमें आप लोग पढ़ते हैं ना कट मोशन गिलीटीन गिलीटीन कर दिया बेसिकली यहां पे तो कट मोशन मोशन कुछ नहीं हुआ यहाँ पे सब फटाफट 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 कर दिया गया कोई टेंशन वाली बात नहीं है सब जल्दी जल्दी कर दो कोई दिक्कत की बात नहीं दिस बिहेवियर वॉज इन लाइन विद द ट्रेंड ऑफ द लास्ट फिफ्टी ईयर डूरिंग विच पीरियड सेवेंटी टू हंड्रेड परसेंस बजट हेब बीन पास विदाउट डिस्कशन और क्योंकि ये जनरली तब होता है जब लोकसभा में ना मेजोरिटी हो अच्छी इफ ए पार्टी हैजुड मेजोरिटी कंफर्टेबल मेजोरिटी लोकसभा तो मतलब अपनी एम पी क्या डिस्कशन करना अपने एम पी अपने मिनिस्टर है अपने आप ही पास हो जाएगा विदाउट डिस्कशन क्या दिक्कत वाली बात है सब चंगा सी सब मस्त सी खाओ पियो ऐश करो मित्रो बजाओ ढोल और नाचो क्या कर सकते हैं बताओ मतलब आप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि जो काम है वो हो ही नहीं रहा एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आर्टिकल इसलिए मैंने बोला बहुत सारे डिफरेंट पहलुओं को और पॉइंट को टच करता है ये डिप्टी स्पीकर को है ही नहीं लोकसभा में ठीक है मतलब एबसेंस ऑफ डिप्टी स्पीकर इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस लोकसभा ठीक है और 93 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए द हाउस वूज आर अस् स्पीकर एंड द अदर डिप्टी स्पीकर बट डिप्टी स्पीकर ही नहीं है आपके लोकसभा में और जल्दी डिप्टी स्पीकर का क्या होता है कि वो अपोजिशन पार्टी से आता है तो ही कीप्स अ चेक ऑन दीज इश्यूज बट इस बार है ही नहीं एक कन्वेंशन है कि ऑपोजिशन पार्टी से आएंगे इज दिस एडिटोरियल एनालिसिस और पोलिटिकल अपोजिशन कंपेनिंग फॉर इलेक्शन सर नोबडी पहली बात तो आपका नाम ही नोबडी है और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं ना मैं मोदी सरकार का सपोर्टर ना मैं किसी और सरकार का सपोर्टर जो आर्टिकल में लिखा है वही मैं बता रहा हूं इसीलिए एनालिसिस बता रहा हूं आपको तो यहां जो लिखा हुआ है हम वो पढ़ रहे हैं और बात तो देखो सही है और जहां तक रही बात मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन की तो भाई मैं मैं तो मोदी सरकार का सपोर्टर हूं एक तरीके से ठीक है तो आपको भी बता दूं मैं जो चीज जो काम वो अच्छा करेंगे मैं सपोर्ट करूंगा जो नहीं करेंगे उसके लिए मैं एक सवाल उठाऊंगा ठीक है सी के बिल को मैंने सपोर्ट किया क्योंकि वो एक हद हाँ तक सही था तो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट द पोलिटिकल एफिलियेशन ऑफ हेयर ठीक है चलो तो जो आर्टिकल में लिखा है वही एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करा है इसमें जितना है तो एक बार पढ़ लेना कैंपेनिंग नहीं चल रही है और एक बात बताऊं इंडिया में हर एक कामना एक तरीके की कैंपेनिंग है अगर आपको ये लगता है तो आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया में हर एक कामना एक तरीके की कैंपेनिंग ही होती है ठीक है सो एनी वे सो विद एक्सेप्शन अगर आप देखोगे इन द पीरियड नाइनटीन नाइनटी नाइन मिनट टूक जस्ट व यू नो

और राज्यसभा में पहले मेजोरिटी नहीं थी अब धीमे धीमे वहां पे भी बढ़ रही है तो इसलिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ भी हो संसद की गरिमा एक देखिए संसद में आप देखोगे इन सब कामों का होना जरूरी क्योंकि उनका मेन काम यही है टू तो चेक एंड स्क्रूटनाइज जितने भी आपके बिल्स हैं या जितने भी आपके लॉज बनने वाले अब डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया है क्योंकि हाउस ने कोई डेट ही डिसाइड नहीं करी बेसिकली क्या है कि इसमें ना डेट इशू करना होता है इनको स्पीकर साहब को सो द हाउस ऑफ द पीपल शाल एज सून एज मे बी चूज टू मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर द डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लोकसभा नाइनटी एट नाइनटी नाइन में नहीं थे बट नाइन एट नाइनटी नाइन को छोड़ दें तो उसके अलावा अब ये ये आला पीरियड हो जाएगा जब दो साल से कोई भी नहीं है दो हजार उन्नीस में सरकार बनी थी नहीं पिछले साल थे इस साल नहीं है थम्बित राय साहब थे इस बार कोई नहीं है तो जनरली एक कन्वेंशन है कि आपके डिप्टी स्पीकर विल कम फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी सो ये क्या एक तरीका कि डिटोरिएशन इन द पार्लियामेंट फंक्शनिंग और जैसे अभी नोबड़ी साहब सवाल उठा रहे थे मतलब मैं कौन होता हूं सवाल उठाने वाला सर यहां पे तो यूपीएससी ही सवाल पूछ रहा है यूपीएससी ने पूछा एग्जाम में कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी कम हो रही है तो मैंने कहा सवाल उठाया मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि जो यूपीएससी पूछ रहा है वो तो वही बात है हर जी हर जी पूछेंगे मोदी जी कर रहे हैं ग्रेट जॉब मैं कब मना कर रहा हूँ बेटी मैं तो कही रहा हूँ मोदी जी ने करा ये ग्रेट जॉब आई एम तो सपोर्टिंग एम इन सम ऑफ द समिसलेशन बट सम ऑफ इट आई कान सपोर्ट ठीक है एज मतलब देखो राइट टू डिसेंट ऐसे मैंने बताया ना जब मैं बोलता हूँ कि राइट टू डिसेंट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो वो जब मैं दूसरे के लिए बोलता हूँ तो वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए तो राइट टू डिसेंट हर किसी के लिए एप्लीकेबल है बट आप भी बहुत सही जॉब कर रहे हो मोदी जी का प्रचार प्रसार करके सही कैंपेनिंग करने आए हो मोदी जी की नहीं बेटो देखो बात तो सही है खैर वो मोदी जी की प्रशंसा किसी और दिन करेंगे बहुत मौके मिलेंगे मोदी जी की प्रशंसा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट से लेकर स्वच्छ भारत मिशन लेके बहुत बेहतरीन काम किया बात तो सही को सही है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर 18 18 घंटे काम कर रहा है आंखों के नीचे गड्ढा हो गया तो हम लोगों को भी सीखने की जरूरत है उस चीज़ से आप खुद देखो बेचारे मोदी जी की आंखों के, के नीचे गड्ढा हो गया चश्मा उतारते हैं ऐसा लगता है पता नहीं कितना काम कर रहे हैं बात तो है देखो खुद भी काम करते हैं दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए तो मानना पड़ेगा आपको नहीं ठीक है चलो सो सो डिटोरिएशन द पार्लियमेंट फंक्शनिंग इज नॉट अ रीसेंट फिन फॉर एग्जांपल अगर आप देखो 2008 वाला तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मॉनसून सेशन ऑफ 2008 थाउजेंड एट हेट सेट रिकॉर्ड द सेशन वेंट ऑन टिल मानसून सेशन मॉनसून सेशन 2008 में क्रिसमस तक चला गवर्नमेंट वॉन्टेड टू यूज अ पार्लियमेंट्री रूल दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन दो बार नहीं आ सकता एक, में. एक बार आ चुका था तो उन्होंने कंटिन्यू रखा क्योंकि अगर एंड कर देते तो दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन अगले में विंटर सेशन और मॉनसून से मॉनसून सेल्सो सो एट बिल्स एन बीन पास इन लोकसभा विदिन सेवन मिनट दॉलोइंग लोकसभा सो लॉर्ड ऑफ डिस्प्शन टू वर्क विद अबाउट टू थर्ड ऑफ्यूल टाइम लॉन्स Some things have 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 improved over the the last few years. We have seen most bills being discussed in the house and have had headless disruptions. Mostly, तो दो हजार 2008-9 की बात वही है वही पीरियड है जब जब अन्ना हजारे मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था तो जनरली क्या होता है पार्लियामेंट्री रूल होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ना वो सेम से दो बार नहीं ला सकते एक बार ही आ सकता है एक सेशन में तो जैसे मॉनसून सेशन में हो गया तो अगला जो विंटर सेशन उसमें दोबारा ला सकते थे तो 2008 में क्या किया गया मानसून सेशन, सेशन हो ही नहीं <coughs> तो उसके बाद ही आपका गवर्नमेंट सो पार्लियामेंट एज यू नो अ वेरी सेंट्रल एंड अ की रोल इन डेमोक्रेसी एज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ठीक है हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंगे इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन ऑल द लेसलेटिव प्रपोजल इन डिटेल अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन एंड डिसाइड ऑन द अप्रोप्रेट वे फॉर्वर्ड इट इट इज इम्पेरेटिव दै द पार्लियमेंट फंशंस इफेक्टिवली दिस विल रिक्वायर मेकिंग एंड फोइंग प्रोसेस सचेज क्रिएटिंग अस्टम ऑफ सर्च सपोर्ट टू द मेम्बर्स ऑफ पार्लियमेंट रिसर्च सपोर्ट देना है मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को उनको सारी टेक्निकल सोल्यूशंस दे सकते हो आप जैसे कोविड में अभी चाहते तो आराम से घर पर बैठ के चाहे उतना ना हो उतना लंबे ड्यूरेशन का ना हो बट आराम से लॉग इन करके यू नो डिस्कशन एंड डिबेट हो सकता है जब कोर्ट्स फंक्शन कर सकती हैं तो सर ये तो फिर भी लॉ लेजिस्लेशन पास करने वाली बात है कोर्ट्स में तो जिंदगी मौत की सवाल हो जाती है तो जिंदगी मौत के सवाल के केस में जब सेशन चल सकता है कोर्ट का तो पार्लियामेंट क्यों नहीं चल सकता वो भी सोचने लायक बात है ये आप भी सोचिए हम भी सोचेंगे और एग्जाम में सवाल आएगा तो आंसर लिखेंगे और सोचिए आप क्या सोल्यूशन दे सकते हो आप बाकी एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है एडिटोरियल ऑन नेट ज़ीरो एमिशन विद इकोनॉमिक ग्रोथ तो क्या इंडिया में हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं कैसा पॉसिबल है इस आर्टिकल में बोला गया है कि हाँ कर सकते हैं तो रिसेंटली 58 एट कंट्रीज थी दे हैव अनाउंस दी नेट जीरो एमिशन टारगेट अब लगभग आने वाले कुछ सालों में नेक्स्ट थर्टी ईयर्स में इन सारी कंट्रीज का एक मुद्दा है कि जो एमिशन है क्लाइमेट चेंज के जो कॉज कर रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहे हैं उनको रिड्यूस करना है टूगे दीज कंट्रीज अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड करेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई ए जिसका इंडिया भी मेंबर है प्रोडिक्स दट मच ऑफ इंडियाज फ्यूचर एमिशन विल कम फ्रॉम थिंग्स दैट हैव नॉट येट बीन बिल्ट फॉर एग्जाम्पल जो फ्यूचर में हम ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इंडस्ट्री एंड बिल्डिंग प्वाइंटिंग जो बना रहे हैं, ये सब चीजें जो है फ्यूचर में और कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन बट उसको हमें क्लीनर वे में बनाना है इसमें सबसे ज्यादा देखोगे तो मोस्ट ऑफ इंडिया थर्मल पावर प्लांट्स यूज स्कैर्स फ्रेश वाटर फॉर ज इंडिया मूव टू क्लीनर्स इलेक्ट्रिसिटी वाटर कंजम्प्शन बाई द पावर प्लांट्स रिड्यूस बाई मोर देन टू पॉइंट फाइव बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर टू लेस देन वन बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर ट्वेंटी फिफ्टी थर्मल पावर प्लांट का प्रॉब्लम यह है ना उन्हें फ्रेश पानी चाहिए होता है इसलिए आप देखो जल्दी नदियों के पास होता है विच इज वेरी हार्मुल पानी भी खराब हो रहा है प्लस आपका जो है थर्मल पावर प्लांट इज एनी वे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर ग्रीन हाउस गैस मिशन तो हमने कोशिश करी है सोलर रिन्य विंड एनर्जी अभी न्यूक्लियर एनर्जी का भी थोड़ा कॉम्पोनेंट बढ़ गया है तो वी आर ट्राइंग टू मूव टू अ क्लीनर एनर्जी सोल्यूशन एंड रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट सो स्ट्रॉग सेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर कैन जनरेट ट्वेंटी फोर मिलियन जॉब्स इन जस्ट फिफ्टीन ईयर्स तो दो मेजर चीजें हो सकती हैं एक तो देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना हाइड्रोजन सेल्स वाली फ्यूल सेल्स वाली गाड़ियों को प्रमोट करना एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स पे ध्यान देने की जरूरत है अदर बिग कंट्रीब्यूटर्स कैन कम बाय कमर्शियली प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम इलेक्ट्रोलिस इसके बारे में हमने बात की थी तो एच सी एनजी करके एक है जो अभी डेली में आसपास में पायलट स्टडी चल रही है पायलट रन चल रहा है ऑन द बसेस तो बड़े व्हीकल्स के लिए हाइड्रोजन सी एनजी अभी यूज हो रहा है एंड दिस ऑल्सो कंसिडरेबल स्कोप टू इंप्रूव दी एफिशियंसी इन लार्ज इंडस्ट्रीज एंड द सप्लाई चेंज ऑफ एम एस एम ई विच हैव द पोटेंशियल टू सेव एनर्जी बट दे लैक कैपिटल तो एक तरीके से कैसे फंडिंग भी की जा सकती है यहां पर जो स्मॉलर इंडस्ट्रीज है कि आप कार्बन टैक्स लगाओ बड़ी इंडस्ट्रीज पे एंड उसको बाद में स्लोली फेज आउट कर सकते हो इन अ फॉम अ स्माल अमाउंट रफली इक्विडिंग टू द एक्सिस्टिंग कोर्सेस टू रीच टू रुपीज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई द मिडल ऑफ सेंचुरी तो इससे क्या होगा फ्लैटनिंग ऑफ द दमिशन कर्व विल नॉट हैपन बाय इटसेल्फ बट द बार्टेंट थिंग इज दैट इन मेनी ऑफ द नीडेड पॉलिसीज आर ऑलरेडी अंड वे नीड टू बी एक्सेलरेटेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी तो नेट जीरो एमिशन फ्यूचर नीड नॉट बी अ जीरो सम गेम मतलब समझते जीरो सम का या तो ये है या तो वो है ऐसा नहीं हो सकता कि नेट जीरो है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेट जीरो एमिशन साथ साथ चल सकते हैं ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगा वन स्ट्रोक में नहीं होगा सो स्ट्रॉन्ग इमेंटल पॉलिसीज कैन क्रिएट प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबिंग विद इमेजिनेटिव पॉलिसीज रोबस्ट इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया विल बी एबल टू डिक्लेयर इट्स फ्रीडम फ्रॉम पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स इन दी हंड्रेड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस ठीक है सो नेट जीरो का जैसे आपने देखा कॉमेंट सेक्शन में नेट जीरो एमिशन का मतलब होता है कि आप जो भी जितना मेमिट कर रहे हो वो सारा क्लीनर फ्यूल से आ रहा है ठीक है चलिए अब आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट एज यू नो हमने कल बात करी थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहां जहां राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं पोल बाउंड सेल जो है हैपन हैपन कैन 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 एंड देन गो तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया स्टे करने, करने के लिए ऑन द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स

आई डोंट नो हाउ मच डू आई एग्री विद दिस मतलब मैं अपना ओपिनियन अगर ऑनेस्टली दूं मैं वैसे ओपिनियन अपना क्या दूं आप लोग भी समझदार आप लोग समझ सकते हो पोलिटिकल डोनेशंस काफी ज्यादा आता है वी नो दिस एंड वी हैव ऑलवेज नोन दिस और कोई भी इलेक्शन बिना पोलिटिकल फंडिंग के नहीं जीता जाता चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो आपकी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो तो so, जो भी देखो कॉर्परेट हाउसेस के लिए कि जो भी वो पैसा खर्च करेंगे उन्हें अपने एक्सपेंड uh, शीट पे डालना पड़ेगा फॉरन कॉरपोरेट हाउसेज कैन ऑल्सो बाई द बॉन्स एंड बॉन्स बॉट विद वाइट मनी कैन बी रीपर्चेज विद ब्लैक मनी बट ऐसा जो एक कंसर्न uh, था कि दोबारा इसको ब्लैक मनी से खरीद सकते हो ऐसा कुछ सुप्रीम uh, कोर्ट ने बोला है कि कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि बॉन्ड्स आप एक ही बार खरीद सकते हो नॉन ट्रेडेबल बॉन्ड्स हैं बट देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मेल प्रैक्टिस तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई बात नहीं जान चलने दो स्कीम सब बढ़िया है बाकी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इंडिया हैज़ गिफ्टेड और इज गोइंग टू गिफ्ट टू लाख कोविड वैक्सीन डोजेज टू यू एन तो ये जो एस्ट्रोसैनिका वैक्सीन है वो यू एन फोर्स को देगी एंड an अनाउंसमेंट जो है वो आपका कल जयशंकर साहब ने किया था एंड uh, आपको पता है वैसे भी इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कॉन्ट्रीब्यूश कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेशन फॉर यू एन फोर्स तो एज पर दू एट डेटा आप देखोगे टोटल ऑफ एटी फाइव थाउजेंड पर्सनल सर्विंग इन पीस कीपिंग ऑपरेशन लेट बाई डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन अक्रॉस द ग्लोब सो टोटल ऑफ वन ट्वेंटी वन नेशन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द यूनिफॉर्म पर्सनल इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रू कॉन्ट्रीब्यूटर्स तो उसी के लिए इंडिया ने कोविड की जो डोजेज हैं उनको देने के लिए अग्री करा है और अपनी तरफ से गिफ्ट है इंडिया विल नॉट बी चार्जिंग एनी मनी फॉर इट सो इंडिया के राइजिंग स्टैचर में एक और फायदा रही में बाकी इंडिया यूएस हैव टू टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व आउटस्टैंडिंग बायलैटरल इश्यूज ट्रेड इशू को लेके बात चल रही थी तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के बड़े कंसर्स होते हैं इंडिया के ट्रेड को लेके तो उनकी जो कैथरीन टाई करके जो यूएसटीआर के अभी रिसेंटली अपॉइंट की गई उन्होंने बोला है कि हम लोग जो है वर्क करेंगे टुगेदर टू सॉर्ट आउट एनी बायलैटरल ट्रेड इशूज विच इज अ गुड थिंग बाकी साउथ कोरियन डिफेंस मिनिस्टर और हमारे रक्षा मंत्री श्री ऑनरेबल ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी इन लोगों की कल मीटिंग हुई एंड दे हैव डिस्कस्ड बायलैटरल इश्यूज एंड हाउ कैन इंक्रीज देयर रोल इन क्वाड ऑल्सो कोरियन पेनेसुला में नॉर्थ कोरिया के जो थोड़े बहुत इशू हैं वैसे तो हमारे नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं बट साउथ कोरिया ऑफकोर्स फेसिस इशूज तो उसके साथ हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं आ, आपके लिए जानना है बहुत जरूरी है आपको मेरी बुक में भी देखने को मिलेगा ये मैंने बुक में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ अबाउट द कोरियन पेनंसुला क्राइसिस तो जब कोरियन पेनसुला क्राइसिस हुआ था उस समय इंडिया वॉज अ मेंबर ऑफ द यू सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंडिया के जो फर्स्ट फॉरन सेक्रेटरी थे के पी एस मैन वॉज ए चेयरमैन ऑफ द यूएन कमिटी कमीशन ऑन द कोरियन पे सो ड्यूरिंग कोरियर वॉर ठीक है सीज फायर सो इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है सीज फायर करवाने में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में और वैसे भी आप देखोगे हमारी लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हो गई है न्यू सदर पॉलिसी ऑफ साउथ कोरिया के तहत रिलेशन्स uh, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनुफैक्चर ऑफ फोन सैमसंग की फैक्ट्री इज इन नोएडा इंडिया में जो नोएडा की फैक्ट्री है वो एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्रीज है. नॉट जस्ट इन इंडिया सो हमारे काफ़ी सारे इनके मल्टीपल इंगेजमेंट्स हैं चाहे वो इकोनॉमिक टाइज हो चाहे वो आपकी डिफेंस टाइज हो सो साउथ कोरिया इज़ अ मेजर मेजर पार्टनर ऑफ इंडिया बाकी एक रिपोर्ट आई है दैट फोर्टी परसेंट ऑफ आरटीआई टी रिजेक्शन डिड नॉट साइड वैलिड रीजन सो सेंटर हैज ओनली रिजेक्टेड फोर पॉइंट थ्री टी आई इन ट्वेंटी द लोएस्ट रेट एवर ये सी की एनुअल रिपोर्ट में लिख के आया बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे फोर्टी ऑफ रिजेक्शन में कोई रीजन नहीं दिया गया कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं भाई एंड मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन हैव कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ से नाइनटी परसेंट रिजेक्शन है कांक्षा आई आर सीरीज मेरी जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है संडे मंडे ट्यूजडे सो आपको पता है आरटीआई के अंदर पब्लिक अथॉरिटीज जो है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव रिक्वेस्ट इन देंट्रल गांड रिस थाउजेंड व रिजेक्टेड फॉर वेरियस रीजन वैसे तो अच्छी बात यह है पॉजिटिव साइन ये है कि रिजेक्शन रेट जो है वो कम हुए हैं ऐसा नहीं कि रिजेक्शन बढ़े हैं रिजेक्शन रेट कम हुए दैट मीन्स मोर एंड मोर कंप्लायंस आ रहा है बट प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन का रीजन नहीं दिया गया तो आपको बताया इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरिटी सिक्योरिटी ठीक है कॉपीराइट इंटेलिजेंस इसके बेसिस पे आप रिजेक्ट कर सकते हो बट ये भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है इस सब रीजन में रिजेक्ट करने में कि क्या ये प्रॉब्लम थी इस वजह से रिजेक्ट किया गया सो फाइनेंस मिनिस्ट्री अलोन रिजेक्टेड मोर देन टेन थाउजेंड केसेस विदाउट प्रोवाइडिंग अ वैलिड रीजन अंडर दी हुनर हार्ट जो है ट्वेंटी एडिशन इसका जो है गोवा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हून हाट आपको है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑर्गेनाइज करती है वेर मोर देन फाइव हंड्रेड आर्टिस्ट्स एंड क्राफ्टमेंस फ्राम थर्टी स्टेट्स लाइक यू टी एंड थर्टी स्टेट्स एंड यू टी हैव पार्टिसिपेटेड तो अभी रिसेंटली डेली में भी हुआ था ऑर्गेनाइज सो इसमें ये लोग डिफरेंट लोकल ट्राइबल लोकल जो आपके कल्चर हैं उसको हाईलाइट करेंगे हैंडी क्राफ्ट को जो है शो केस करेंगे सो इसमें प्रोडक्ट्स लाएंगे बिरदी वेयर कलमकारी मधुबनी पेंटिंग्स उदयगिरी वुडन कल्ट्री कटलरी सॉरी प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम केन बैंबू जूट टसर सिल्क मूगा सिल्क इनके प्रोडक्ट्स जो हैं हैंडीक्राफ्ट को हाईलाइट किया जाएगा तो कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए भी है प्लस द मनी यू नो हेल्पिंग द इन देआर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाकी इंडिया पाकिस्तान की ब्रिगेड लेवल कमांडर मीटिंग हुई है टॉकिंग अबाउट द सीज फायर जो जो अभी बात चल रही है सीज फायर को लेकर उसी को कंटिन्यू करने के लिए रिफर्मिंग द कमिटमेंट होती टू थाउजेंड थ्री अग्रीमेंट मीटिंग कम समेट कंप्लीट पीस मेटेन बाय द टू आर्मीज अभी बड़ी शांति है बॉर्डर के साइड में तो दिस इज एन ऑन गोइंग डेवलपिंग स्टोरी आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम हैव कम टुगेदर और शायद अब टी ट्वेंटी मैथ सीरीज की भी बात हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टी ट्वेंटी मैथ सीरीज होगी कल ही न्यूज में आया था इसको लेके बाकी यूपी ने यूपी सरकार ने अनाउंस किया है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम फॉर स्टूडेंट एंड अर्बन माइग्रेंट्स तो योगी सरकार जो है धमाके में धमाके करते चली जा रही है इन द सेंस अच्छी स्कीम लॉन्च कर रही है तो यूपी सरकार ने अभी रिसेंटली आपने देखा हमने कल बात की थी एलईडी बल्ब की स्कीम लॉन्च की अब उन्होंने लॉन्च किया है स्कीम जहां पे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग दिया जाएगा जो स्टूडेंट्स हैं जाते हैं पढ़ने के लिए दूसरी जगह या फिर जो आपके अर्बन माइग्रेंट्स हैं सो यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस दिस एंड उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट है चेयर बाई चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ प्रपोज दिस स्कीम सो so under दिस beneficiaries इंक्लूड poor माइग्रेंट स्टूडेंट अर्बन माइग्रेंट्स लो इनकम ग्रुप्स एंड पीपल from the economic वीकर सेक्शंस प्रेफरेंस विल be गिवन टू widows, वर्किंग women, माइनॉरिटीज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस तो इसमें क्या होगा अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें आपको पता है प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को है उनको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए बोला जाएगा घर और हर शहरों शे, में ये एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी जहां पे स्टूडेंट्स लोग रह सकते हैं या अर्बन माइग्रेंट्स रह सकते हैं बाकी जो है बेजिंग चाइना ने यूरोपियन यूनियन एंड कुछ ब्रिटेन के ऑफिशियल्स को सैंक्शन किया है ओवर द कंसर्न ओवर शिंजिया प्रोविंस सो चाइना है फोर एंड नाइन इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग प्रोमनेंट लॉ मेकर्स जिन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज किया रिगार्डिंग द एट्रोसिटीज कैरीड आउट ओवर उगीर मुस्लिम इन जिजियांग प्रोविंस जहां से आपका सी चालू होता है तो दे वुड बी बार्ट फ्रॉम विजिटिंग चाइना एंड एनी ऑफ द चाइनीज टेरिटरी और कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते विद चाइनीज सिटीजन इंस्टीट्यूशन सो बेसिकली क्या है चाइना ने एक, एक अभी पी आर वॉर पे चला गया है कि ना पब्लिक रिलेशन अपनी जो इनको सही करनी है वेस्टर्न कंट्रीज साथ स्पेसिफिकली जो हाईलाइट किया जा रहा है इशू की ये लोग जो करते हैं कैरी आउट करते हैं इन दी जिंजियांग प्रोविंस में बाकी न्यूजीलैंड uh, ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पास किया है दिस इज द मिस कैरेजिज ब्रीवमेंट लॉ सो दिस विल प्रोवाइड मदर्स एंड द पार्टनर्स अ राइट टू पेड लीव आफ्टर अस कैरेज और स्टिल बर्थ जैसे जनली क्या होता है कि आपका एक मटर्निटी लीव होती है बट जैसे मान लो अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो जाता है या फिर बच्चा पैदा होने के बाद डेथ हो जाती है स्टिल बर्थ बोलते हैं उस केस में भी जो है पेड लीव दी जाएगी क्योंकि मेंटली इट्स टॉर्चरस फॉर द फैमिली एंड एंड द मदर एंड द फादर एंड एंड द फैमिली मेंबर्स तो न्यूजीलैंड बिकम दी सच एज द सेकेंड कंट्री फॉलोइंग इंडिया बहुत लोगों को शायद ये शॉकिंग लगेगा बट इंडिया में भी ऐसा है अक्रॉस द वर्ल्ड टू पास सच लेजिस्लेशन So, it provides the employees three days leave after pregnancy ends with a stillbirth. They do not require to tap into sick leave now. A bill will provide women and their partners time to come to terms with their loss. Leave provisions apply to mothers, their partners, and the parents who are planning to have a child through adoption or surrogacy. So, this legislation uh, was passed by considering the fact that generally one in four women in New Zealand have had a miscarriage. और न्यूजीलैंड वैसे भी पता है प्राइम मिनिस्टर उनकी एक महिला है बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं बहुत फेमस हैं एंड न्यूज़ीलैंड में वुमेन राइट्स को लेके काफ़ी लोग सतर्क हैं सो इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट्स टू वुमेन इट आल्सो पास द लॉ इन 2020 टू डीक्रिमिनलाइज द अबॉर्शन सो गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड अंडर प्राइम मिनिस्टर जसिंद आड्रेन इज रिगार्डेड एज अ ग्लोबल चैंपियन फॉर वुमन समीक्षा जो फार्म बिल का बोल रहे हो वो भी बात सही है फार्म बिल वॉज ऑल्सो अप्रूव इन राज्यसभा राज्यसभा पास इन विद वॉइस वोट राजसभा नहीं किया गया बाकी देखिए ये तो बेचारा चला ही फंसा ही हुआ अभी तक बहुत कोशिश की जा रही है जो वेसल स्टक है इसको हटाने की आ, इन दी दुस कैनाल और अभी ड्रेजर्स लाए गए हैं साइड से खुदाई की जा रही है कि जहां पे सेडिमेंट से फंसा हुआ है उसे हटाया जाए बाकी जो टगर्स हैं वो टग जो है उसको जो ये स्टील की जो है रोप्स होती हैं उससे खींचा जा रहा है इसको तो सुज कैनाल में जो फंसा हुआ है एवरग्रीन शिप उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड का शिपमेंट रुका हुआ है कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है का मेजर ऑयल जो है सुवेज कैनाल के साइड से आता है तो ऑयल प्राइसेस हमारे और बढ़ सकते हैं सो ऑलमोस्ट टू थर्टी सेवन शिप्स आर वेटिंग फॉर एवर ग्रीन टू बी क्लियर सो एक टीम फ्रॉम बोक्सकालीज है ये डच फॉर्म बहुत स्पेशलिस्ट है इन इन साल्वेजिंग स्टार्टेड वर्किंग विद कैनल अथॉरिटी अभी तक फंसा हुआ है बाकी कल क्या एन का ऑर्डर है इसके बारे में हम बात करेंगे सो नेशनल कंपनी लॉट एप्ली ट्राइब्यनल का ऑर्डर है जिसने टाटा के फेवर में जजमेंट दिया है उसकी वजह से टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ गए एंड ये आपके जो है उन्होंने साइरस मिस्ट्री को जो है ऑर्डर रिस्टोर कर दिया सटे कर दिया है एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कांग्लमरेट सोने विक्ट्री फॉर द टाटा ग्रुप द सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड दी एन ऑर्डर दैट हैड रिस्टोर्ड साइरस मिस्ट्री एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कांग्लमरेट तो सुप्रीम कोर्ट ने एन ऑर्डर को हटा दिया है

ज इन इन अ बोर्ड वॉज अकिन टू एन एमबुश एंड वॉज इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉपोरेट गवर्वनेंस आजकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉपोरेट तो गवर्वनेंस में स्पेशली जो सत्यम स्कैम हुआ उसके बाद कॉपोरेट गवर्वनेंस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है इंडिया में तो उसी को लेकर के यह केस आया था बाकी आ, अभी क्योंकि सुएज कैनाल ब्लॉक है तो इंडिया जो है सोच रहा है कि केप ऑफ गुड ओप साउथ अफ्रीका से होते हुए शिपिन आए बट वहां पर टाइम लगेगा बट एटलीस्ट चलेगा तो मूवमेंट सो so टू 200 बिलियन डॉलर ऑफ इंडिया ट्रेड फ्लोज विथ यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ट्रेस ड्यू टू द ब्लॉके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है कोशिश कर रहा है कि शिपमेंट्स को हम केप ऑफ गुडोप से भेजेंगे। मतलब अफ्रीका के नीचे से भेजेंगे। केप अहूला से गुडोप से होते हुए तो अभी देखा जा रहा है कि कब तक ये पता नहीं कब तक फंसा रहेगा जो एवरग्रीन शिप है इससे पूरा वर्ल्ड का ट्रेड अफेक्टेड है सो द अप्रोचेस कि हम नीचे से लेके जाएं उसको बाकी एन के सिंह साहब जो है जो चेयरमैन है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के और उन्होंने रेकमेंड किया कि हेल्थ को कंकरेंट लिस्ट में मूव कर देना चाहिए एंड 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 डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड हेल्थ केयर जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ हेल्थ केयर के लिए सेटअप करना चाहिए एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड कि हमें टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द जी डी पी जो है वो हेल्थ केयर में स्पेंड करना चाहिए बाई ट्वेंटी फाइव एंड प्राइमरी हेल्थ केयर शुड बी अ फंडामेंटल कमिटमेंट उन्होंने बोला अगर हेल्थ केयर को लेके एक डीएफआई बनाया जाएगा वो स्पेसिफिकली टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज़ में हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करेगा एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कवर्स बॉटम टू इनकम क्विंटाइल्स कमर्शियल इंश्योरेंस लार्जली कवर्स टॉप इनकम इन क्विंट्राइल्स तो लोअर सेक्शन को देखो कोई हेल्थ इंश्योरेंस टाइप की चीजें तो मिलती नहीं है तो इसलिए एक सजेशन आया कि आप इसको कंकरेंट लिस्ट में मूव कर दो बाकी जापान जो है वो फंड करेगा अंडमान निकोबार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके एंड ऑल्सो द मेट्रो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट सो जपान इज ग्रांट एड वर्थ येन ऑफ 4.2 बिलियन एंड और 265 करोड़ रुपीस इन इंडियन करेंसी तो जो पावर सप्लाई अंडमान निकोबार में उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके अलावा जो डेली मेट्रो का फेज़ फोर एंड बेंगलुरु मेट, मेट्रो का फेज टू एक्सपेंशन है उसमें आप देखोगे जीका करके जो एजेंसी है वो फंडिंग देती है So the grant would बी यूज टू procure the 15 megawatt हाउस batteries एज well एज द पावर सिस्टम stabilizers टू अलाउ बेटर utilization ऑफ सोलर पावर्स in अंडमान अभी रिसेंटली आपको पता है अंडमान को लिंक किया गया था विद ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मोदी जी गए थे नॉगरेट करने के लिए तो काफी डेवलपमेंट रहा है वहां पे बाकी निसार सैटेलाइट को लेके इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है दैट व्हाट इज निसार द अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन ऑफ नासन इसरोस प्लान सर्फेस एड स्मॉलेट पॉइंट फोर इंच हाफ द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट दो तो हजार में लॉन्च किया जाएगा इसको फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन हरी श्री हरिकोटा और इसको नियर पोलर ऑर्बिट में जनरली जो आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं पोलर ऑर्बिट्स में रहते हैं ताकि वो क्या है कि क्लोजली मॉनिटर कर सके अर्थ में होने वाले चेंजेस को तो ये अर्थ की आई शीट को मॉनिटर करेगा सो इट विल डिटेक्ट एनी क्लाइमेटिक चेंजेस ऑल्सो तो ये एस यू की साइज की सैटेलाइट है जो ज्वाइंट डेवलप की जा रही है बाई द दू एस नासा एंड इंडियाज इसरो एंड ये दो सेप्टेंबर दो हजार चौदह में इनके बीच में कॉपरेशन हुआ था अब दिस सो द नेारिस फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये ऑल वेदर सैटेलाइट होगी दैट्स गोइंग टू गिव दी दिन एबिलिटी एबिलिटेड लुक एट हाउस सर्फिस इज चेंजिंग आपके जोग्राफी के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम आएगी काफी बाकी जैसा मैंने अभी बताया कि जो ये साइरस मिस्ट्री साहब वाला जो इशू हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें पांच इंपॉर्टेंट पहलू हैं कि वाई डिड सुप्रीम कोर्ट रूल इन द फेवर ऑफ टाटा सन्स एंड अगेन साइरस मिस्ट्री तो पहला जो एस्पेक्ट वो ये है इज वेदर द एनसीएलई टी वॉज राइट इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन दट दर्स ऑफ द टाटा ग्रुप इंक्लूडिंग द टाटा सन वर बीग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू इट्स चेयरमैन तो ऐसा कुछ प्रूव नहीं कर पाया एनसीएल में जो एविडेंस था कि जो भी किया गया क्या वो जानबूझ के किया गया क्योंकि रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ पोस्ट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ऑपरेसिव और प्रीजन तो ऐसा प्रूव नहीं हुआ तो पहले बेसिस पे यहां पे यहां स्टक डाउन हुआ सेकंड जो है टू ग्रांटिंग रिलीफ दैट द मिस्ट्री ग्रुप हैड नॉट स्पेसिफिकली फॉर इट्स इन द फर्स्ट प्लेस सो जो जो शापरजी पालन जी, जी ग्रुप था उन्होंने कोई रिलीफ मांगा नहीं था उन्होंने बस बोला था गलत हुआ तो एनसीएलटी ने ओवर एंड बियॉन्ड जाके रिलीफ दे दिया मतलब उन्होंने ये कैसे बोल दिया कि आप रीइंस्टेट कर दो बल्कि जो ओरिजिनल पिटिशन थी उसमें ऐसा कुछ मैंशन ही नहीं था सो इट इज इनकॉम्प्रीहेंसल दैट द एनसी डायरेक्टेड रीन स्टेटमेंट दैट टू ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इस टर्म इनका टर्म भी खत्म हो गया था सारे का नहीं कॉपोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन याद नहीं करने बट क्वेश्चन आता है इसके पर कॉपोरेट गवर्नेंस के ऊपर जैसे उदय कोटक कमेटी के ऊपर आता है सो so, उदय कोटक कमिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन ठीक है उदय कोटक कमेटी जो है लाए गए थे स्पेसिफिकली कॉर्परेट री के लिए थर्ड एस्पेक्ट था रिलेटिंग टू एनसीएल रिस्ट्रिक्टिंग टाटा सन फ्रॉम यूजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 75 फाइव ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसके अंदर पावर है टाटा सन्स के पास टू परचेज द शेयर ऑफ एनी शेयर होल्डर एट फेयर मार्केट प्राइस तो इन्होंने क्या किया जो मिस्ट्री ग्रुप के पास शेयर थे वो टाटा खरीद सकता था बट अलाउ नहीं किया एनसीएल ने तो यह आर्टिकल सेवनटी ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का चैलेंज था न फोर्थ एस्पेक्ट था होल्डिंग दट द वोटिंग राइट्स अवेलेबल टू द डायरेक्टर्स ऑफ द टू ट्रस्ट दैट आर मेजारिटी स्टेक होल्डिंग टाटा प्रिजुडिशियल दे फॉर कटिल तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द डायरेक्टर्स ऑफ ऑफ सर रतन टाटा ट्रस्ट एंड सर दुरावजी ट्रस्ट है राइट टू अफर्मेटिव वोटिंग सिंस दे ऑल्सो है ड्यूटी टूवर्स ऑफ ट्रस्ट एज लार्ज पार्ट ऑफ द कंपनीज उन्होंने पहले जो जो एनसीएलटी में चैलेंज किया था कि ये लोग वोट नहीं कर सकते थे ट्रस्ट के मेंबर्स जो थे बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला ट्रस्ट मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ओवर लुकिंग द कंपनी दे हैव अ वेरी स्पेशल हैिटी तो आपके उनके वोट्स को आप हटा नहीं सकते फिफ्थ एस्पेक्ट था वॉज वेदर एनसीटी वॉज राइट इन आस्किंग द रजिस्टर ऑफ कंपनीज टू डिस टाटा सन्स कन्वर्जन इंटू अ प्राइवेट कंपनी तो उन्होंने बोला क्योंकि टाटा सन्स ना प्राइवेट कंपनी के अंदर आप देखोगे Uh, उन्होंने जो कॉपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करी उसके अंदर जो ये रिमूव किया था इनको वो प्राइवेट कंपनी के एंटिटी के अंदर किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जब खुद ही जो जो साइरस मिस्त्री है वो शाहपुर जी पालन जी ग्रुप के हैं जब खुद वो अपनी कंपनी के साथ ऐसा कर सकते हैं सो हाउ कैन ही नॉट अलाउ और हाउ कैन ही नॉट अग्री विद द फैक्ट दैट टाटा सन्स वॉज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी तो उन्होंने टाटा उन्होंने क्लेम किया कि टाटा सन्स जो है कम्प्लीटली प्राइवेट नहीं है यू नो सम एस्पेक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर टाटा डिफेंस है आपका बट वो एक ज्वाइंट so, मतलब आपको बताने थे जहाँ कमियाँ थी उनके जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाईलाइट करके इसको सेटिस्फाइड कर दिया एंड द केस नाउ इज इन द फेवर ऑफ टाटा सन्स एंड सायरस मिस्ट्री इज रिमूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स चलिए तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ना कल अपनी पॉलिटी की एमसीक्यू जो महारत वाली जो मैं सेशन दे रहा हूँ पॉलिटी में महारत उस सीरीज के कुछ सवाल ही है मैं देखना चाहता हूं जो लोग यूट्यूब पे सेशन अटेंड करते हैं उन्हें कितना पॉलिटी आती है तो आज हम लोग पांच क्वेश्चन करेंगे तीन पॉलिटी के दो आपके फ्रॉम दी करंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन है द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी इज बाइंडिंग ऑन द प्रेजेंट द कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन ऑन द प्रेजिडेंट इफ ही और शी रेफर्स मैटर रिलेटिंग टू एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें शैलेंद्र सिंह हा आई नो रात की क्लास करना नोटिफिकेशन नहीं आया कोई बात नहीं आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा जाके कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी रात वाली भी मोस <coughs> लोगों ने सही मतलब रात वाली क्लास अटेंड करी है सो ए इज द करेक्ट आंसर देखिए एडवाइस मानना नहीं मानना प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्सन है सुन लेंगे करेंगे अपनी मन की ठीक है इस वाले केस में ठीक है इस वजह से और दूसरा जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इन मैटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन में एडवाइस देना बाइंडिंग नहीं है इस वाले केस में एडवाइस देना बाइंडिंग है बट उसको मानना नहीं मानना प्रेसिडेंट साहब का डिस्क्रिप्शन है ठीक है तो वन इज करेक्ट सर जी होली के दिन भी क्लास होगी टेंशन क्यों ले रहे हो एक क्लास तो बनती है होली के दिन सुबह छोटी क्लास लेंगे बट लेंगे होली के दिन नहीं तो रात को ले लेंगे अगर आप चाहोगे तो होली की होली के दिन रात को क्लास ले लूंगा 10:30 बजे ले लेंगे 29th को होली है ना जैसे गब्बर बोलता है होली कब है कब है होली सो so, होली जो है 29 को है तो रात को ले लेंगे 10:30 pm कर लेंगे सो वी विल डू इट 10:30 pm डोंट वरी यू पीपल एंजॉय योर होली रात को ले लेंगे सो ए इज द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल और भी इजी है अ पर्सन कैन नॉट बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें लगता है आपको सही है बताइए इसमें से ए बी सी या डी सो करेक्ट आंसर इज डी None of the above. क्योंकि आपके पास छह महीने होते हैं मेंबर बनने के लिए और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ ये पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर होता है लॉ में बनाया जाता है आपको जैसे पता होगा कि रिसेंटली अभी उसको अमेंड किया गया था टू रिड्यूस द सैलरी इन वेक ऑफ कोविड नाइनटीन आई नो तो ये मैंने जो लोग नाइट वाली क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे उन लोगों के लिए मैंने कहा कि चलो पूछ लेते हैं सो so, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट करेक्ट है आपके अगला सवाल है रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा की पावर को लेकर द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिराइव्स हिस पावर एंड ड्यूटीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस वन टू तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि जो पॉलिटी में महारत सेशन है उसमें बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए तो ये स्पेशल क्लास को कभी मिस मत करिएगा आप लोग आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी रिवीजन के लिए और एमसीक्यू से बेटर तरीके से रिवीजन नहीं हो सकता पॉलिटी का पॉलिटी इकोनॉमी स्पेसिफिकली तीनों ही सही हैं इसके बिल्कुल सही बोला आपने आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट सो मेनी ऑफ यूर गिविंग करेक्ट आंसर दैट पीपल हैव बीन वेरी अटेंटिव इन द क्लास तीनों ही आपके कन्वेंशन जो है रूल्स हैं उसके तहत जो स्पीकर हैं उनके पास पावर होती है सो ऑल थ्री आर करेक्ट तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिराइव द पावर फ्रॉम ऑल द थ्री कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ लोकसभा तीनों से ही उसका उनकी पावर आती है आज क्लास शाम को है एक्चुअली में अगला सवाल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को लेके है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल स्टेट पार्लियामेंट्स इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं इंटरनेशनल और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन <laughs> बाकी डू नॉट फर्गेट टू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो Uh, जरूरी है कि आप लोग लाइक करें क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना प्रमोट होगा और उतना हमारा हमारे लिए भी अच्छा है ठीक है और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और भी नए जो आप कह सकते हो लर्नर्स जुड़ेंगे जब नए लर्नर्स जुड़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा और भी डिबेट और डिस्कशन होगा हमारे कमेंट सेक्शन में तो काफी सारे इंटरेस्टिंग पहलू देखने को मिलेंगे सो प्लीज़ एटलीस्ट जितने 200 लोग देख रहे हैं क्लास एटलीस्ट 200 सौ लाइक तो बनते हैं फटाफट सो करेक्ट आंसर मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग आर सी बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज बी तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल स्टेट पार्लियामेंट नहीं नेशनल सिर्फ पार्लियामेंट की है स्टेट असेंबली की नहीं है एटीन में चालू किया गया था स्मॉल ग्रुप था और इंडिया पाकिस्तान सारी कंट्रीज इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटर पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन के तहत इसको आ, यूज भी किया जाता है अभी रिसेंटली उनके चेयरमैन इंडिया आए हुए थे पोर्चुगीज सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साहब आपने फोटो भी देखी होगी तो इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर मेंबर ऑफ इट स्टेट असेंबली नहीं है यहां पे देखो स्टेट पार्लियामेंट्स कहाँ हो गया सिर्फ नेशनल पार्लियामेंट्स होती है प्रोविंशियल्स नहीं होती नेक्स्ट इज पेंच नेशनल पार्क ये दो राज्यों में फैला हुआ है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में द पार्क हैज बीन इंक्लूडेड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर हैं इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व फटाफट पेंच टाइगर रिजर्व को लेके कि यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह फैला हुआ है और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर है इसलिए टाइगर रिजर्व में भी आता है सही जवाब है आपका सी करेक्ट तो सियोनी डिस्ट्रिक्ट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एमपी के और महाराष्ट्र के एरिया से जुड़ा हुआ है और आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो जिस वजह से प्रोजेक्ट टाइगर में डाला जाता है so, प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको याद है कि हमने उसमें बात की थी कि उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जैसा होता है इसमें भी कोर एरिया वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है ठीक है जी थैंक यू सो मच सो सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने जैसा बताया डीपीएस लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं और बहुत सारे अमेजिंग एंड बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं तो डोंट मिस आउट ऑन देम टुमारो इज कॉम्बैट ग्यारह बजे भूलिएगा मत और कल मिलेंगे बारह बजे कॉम्बैट के बाद कल न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास नहीं कल संडे है हम लोग मिलेंगे मंडे को छोटी सी क्लास लेंगे टेलीग्राम चैनल दि पॉन्चर सिंग ओफिशियल आपको नोट्स मिल जाएंगे वहां पे आपको माइंड मैप मिल जाएगा और अन अकेडमी यूपीएससी सी एस सी पे भी चलिए थैंक यू सो मच अभिमान मिलते हैं बारह बजे स्पेशल क्लास पे ऑन इंडिया इंडियन गवर्नमेंट्स पोजिशन बारह बजे क्लास है मच बारह बजे स्पेशल क्लास के लिए मिलते हैं चलिए थैंक यू प्रोफाइल में प्रोफाइल uh, का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाके आप लोग क्लास uh, को ज्वाइन कर सकते हैं बाकी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ठीक है थैंक यू रोहन जी डी सिंह टू सेवन जिसको भी कांटेक्ट करना है डी सिंह टू सेवन पे कर सकते हैं मुझे डी सिंग टू सेवन टेलीग्राम की आईडी है मेरी उसमें जब आप टाइप करोगे डी सिंह एट द रेट तो डी एस लिख के आएगा ये आईडी है डी एस लिख के आएगा उस पर आपको मैसेज करना है या फिर वन स्टॉप टीम दीपांशु कभी कुछ समझ में ना आए टीम दीपांशु को परेशान करिए आप लोग ठीक है दीपांशु के आके टीम जोड़ के एट द रेट चलिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर